देखिए, एक तो मैं इस वक्त एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शख्स जो आए हैं हैदराबाद से, रामाराव जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारी ज़िंदगी में। हमने इनके लिए एक फ़िल्म बनाई थी, क्रिमिनल फिल्म। मैंने ठीक नहीं बनाई थी, मगर इन्होंने बहुत अच्छी बनाई थी। और इन्होंने एक गिफ्ट दी थी मुझे, MM क्रीम, जिन्होंने जाके हमारे मुल्क के लिए ऑस्कर जीता है और विश्व में अपना नाम क्रिएट किया है, और हम सबको बहुत ही प्राउड फील होते हैं। हम लोग सब बहुत अच्छा फील करते हैं। मगर ये शख्स जो हैं, एक बड़े अनोखे, बहुत ही हिम्मत वाले प्रोड्यूसर हैं। और ये जो लड़का है, जिसका नाम है शेशु, ये हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे उस ज़माने में। तो एक तो ये 30 साल पहले की बात है। तो ये एक तो मौका ये है कि हम यहाँ पर आकर इनके साथ जुड़कर इनका हाथ बटाने आए हैं। अब रही बात इस फिल्म की, मुझे लगता है इसकी रूह से आप वाकिफ हो गए होंगे कि ये फीमेल इमेंसिपेशन की कहानी है। देखिए, मुल्क सब वो गरीब होता है जो सपने देखना छोड़ देता है। ये औरतों की सपनों की कहानी है, और ये कहानी ये जताती है कि औरतों के सपने आज से देखने हम उन्होंने शुरू नहीं किए हैं। सालों पहले ये सपने देखते थे आज़ादी के, और एक ट्राइबल महिला की कहानी है। और फिर उस माहौल में जहाँ पर सोचा भी नहीं जा सकता था कि औरत कभी इस अदा से अपने ज़िंदगी गुजार सकती है, और जो हीरो का किरदार है वो वाकई लाजवाब है। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक मर्द शामिल नहीं होता औरत की इमेंसिपेशन में, तब तक जंग संपूर्ण नहीं होती। तो बहुत ही लाइफ अफर्मिंग है, और मुझे इस बात की बेहतर खुशी है कि ये इतनी सारी लैंग्वेजेस में बन रही है, कि हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगू है, तमिल है, मलयालम है। और ये अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि हम जब फिल्म बनाते थे, हम कभी सोचते ही नहीं थे कि ये उस ऑडियंस तक पहुंचेगी जहां पर ये ज़बान के ज़रिए हम पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये स्पेस जो है, ख़ास करके एक ट्राइबल बच्ची की कहानी, जो ये जज्बात को बहुत इफ़ेक्टिवली कहती है, इसकी बहुत आवश्यकता है हमारे मुल्क में। क्योंकि इमेंसिपेशन का सपना केवल शहर की औरतों का हक नहीं है, ये हर क्लास की, हमारे मुल्क की, दुनिया के हर कोने कोने में औरतों का अधिकार है कि वो बिल्कुल आज़ाद अपने आप को महसूस करें। और ये कहानी जो है उसको एंडोर्स करती है। अली भाई और हम, मैं सुनील पाल, इस पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। अश्लेषा ठाकुर, शांतला फिल्म की रौनक है, मुझे पर्दे से देख के लग रहा है। और अश्लेषा ठाकुर की तो हम सब फ़ैन है ही, आपको पता होगा, जब भी ये OTT पर आती है, इसकी आंखें ऐसा बोलती है कि पूरा सीन समझा देती है। ये एकमात्र ऐसी लड़की है जिसको एक्स्ट्रा एक्टिंग करने की या ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं, जैसी है वैसी आँखों से बोलती है। मेरे ख्याल से मीना कुमारी जी के बाद, या नूतन जी के बाद, मैं किसी, या मधुबाला जी के बाद कोई अगर एक्ट्रेस देख रहा हूँ तो वो ये है। आने वाले ज़माने की सुपरस्टार है। ये बढ़िया सा फ़ोटो बना के रख लो, आप याद रखो कि ये मेरी बात, रिकॉर्ड कर लेना कि अश्लेषा आने वाले समय में बॉलीवुड पर बहुत छाने वाली है, आने वाले ज़माने की सुपरस्टार है। तो इसलिए शांतला, इस फिल्म की पूरी टीम को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये फिल्म जितनी लागत हो उससे 100 गुना ज़्यादा कमाए, और ये ऐसी फिल्में बनती रहे ताकि जो बजट फिल्में बनाते हैं उनको एक फोर्स मिले, उनको सपोर्ट मिले। यस, देखिए, ये डिफरेंट फिल्म है और इस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा कि सुनील भाई ने बताया। तो 5 लैंग्वेज में ये फिल्म है, और अभी तो हमने सिर्फ एक झलक देखी है। जब मैं पूरी फिल्म देखूंगा तो इसमें मैं अपना पूरा निर्णय दूंगा। लेकिन ये दोनों जो हैं, इस फिल्म के आने वाले वक्त के, ये एक स्टार हैं, एक अच्छी फिल्म बनी है, और हम सब की ऑल गुड विशेज़ हैं। और ये टोटली डिफरेंट फिल्म है, तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि फिल्म चलेगी। और चूंकि बड़े मंझे हुए डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, भट्ट साहब के साथी हैं, भट्ट साहब के असिस्टेंट रह चुके हैं, तो ऐसे मंझे हुए डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ जिसने काम किया, तो डेफिनेटली ये फिल्म अच्छी होगी।
ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इस फिल्म। मैंने तो काम किया है तो आई एम जस्ट विशिंग द बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड एज माई ब्लड स्वेट आई हैव गॉट टू मेनी इंजरीज व्हाइल शूटिंग इट तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम ऑल्सो नर्वस बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग।